हेलो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी मैं जो लाई हूँ ना वो है बहुत ही स्पेशल, यानी बनारस के खान पान से जुड़ा बनारसी चाट की रेसिपी, जिसे कि हम काशी चाट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में, और मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो इस चाट के लिए मैंने लिया है 3 से 4 प्याज जिन्हें छील लिया है, अदरक 1 से 2 इंच लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, 3 लाल टमाटर लिए हैं, 5 से 6 उबले आलू लिए हैं, और इन सभी को मैं अब तैयारी कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो प्याज, अदरक और हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, टमाटर को भी चॉप कर लिया है और आलूओं को छील लिया है। तो आलूओं को अब हमें करना है थोड़ा सा मैश, तो इस तरीके से हमने आलूओं को मैश कर लिया। चलते हैं कढ़ाही की तरफ। तो कढ़ाही में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल के गर्म होने पे मैंने डाल दिया है यहाँ पे उबले हुए आलू, और अब मैं आलू को थोड़ा भूनूंगी। तो ये जो ठेले वाले भैया हैं ये लोग क्या करते हैं कि चाट में टिक्की डालते हैं, आलू की टिक्की सेंकी हुई होती है वो डालते हैं। यहाँ पर हम फटाफट से आलूओं को बिल्कुल वैसे ही भून लेंगे जैसे ठेले वाले भैया आलूओं की टिक्की डालते हैं, तो उस तरीके से हमारे आलू भुने हुए तैयार हो जाएंगे बिल्कुल आलू की टिक्की के स्वाद वाले। इससे हमारे टमाटर के चाट में ना बहुत ही सौंधी खुशबू आएगी जो कि आपको अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आलू भुन चुके हैं और अब मैंने इन्हें निकाल लिया है। ये देखिए कलर आलू का है ना, बिल्कुल आलू के टिक्की की तरह। तो अब इसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच देसी घी डालूंगी, आप चाहें तो 1 चम्मच घी 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस चाट में देसी घी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा चटकने के लिए, और इसके बाद जो प्याज कटे हुए हैं वो डाल दूँगी, और डाल करके इसे हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक मैं भून लूँगी। तो हल्का सा प्याज भून चुका है, बस इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी कटी हुई अदरक और हरी मिर्च को, और इन्हें भी भून लूँगी जब तक कि प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो अब हमारे प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं, अब बस हमने अपना कटा हुआ टमाटर डाल देना है इसमें। टमाटरों को डालने के बाद हमें डालना होता है नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो थोड़ी क्वांटिटी में मैंने अभी नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। डाल करके इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने डाल दिया है, और अब इन्हें मीडियम फ्लेम पे हमें मिक्स कर लेना है। जब टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम टमाटरों को मतलब पैन एक प्लेट से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इसे ढका हुआ था, और अब देखती हूँ तो टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने उबले हुए आलूओं को, और अच्छे से आलू और टमाटर को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी डाल देना है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, बहुत ज़्यादा आपको चाट को पतला नहीं बनाना है, मीडियम ही इसकी थिकनेस रखनी है। तो थोड़ा पानी मैंने और डाल दिया, उसी प्लेट से पानी डाला है जिसमें उबले हुए आलू थे, तो उसके साथ के साथ हमारा प्लेट भी साफ हो गया। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला यूज किया है, और थोड़ा क्वान्टिटी में नमक डाला है, थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है। डाल करके इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे एक उबाल आने देंगे। तो हमारे चाट में देखिए अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया, बस इस स्टेज पे आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब चलिए फटाफट से हम चाट को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठेले स्टाइल में ये दोना यूज किया है जिसमें हमें ऐसे चाट मिलता है, ताकि इसका जो लुक भी बिल्कुल चाट की तरह आए। और ऊपर से भी थोड़ा सा मैं देसी घी डाल दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप इसे घर पर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इमली गुड़ की थोड़ी मीठी चटनी डाल दी है, अगर आपको बनाना है तो मैंने आई बटन पे लिंक इसका मेंशन कर दिया है। ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल देंगे, और दूसरे प्लेट में मैं थोड़ा सा मूली रेता हुआ डाल दे रही हूँ, आप चाहें तो दोनों एक साथ में भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी धनिया पत्ती से हम गार्निश कर देंगे, थोड़ी सी खट्टी चटनी भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों से चाट बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। ऊपर से थोड़ी मीठी चटनी मैंने और डाल दिया है, और अगर आपके पास पतला वाला सेव नमकीन हो तो वो डालिएगा, मैंने यहाँ पे मोटा सेव नमकीन था वही डाल दिया है।
और थोड़ी सी एक नमकीन और है उसे भी डाल करके प्लेट ये चम्मच लगा करके मैंने इसे तैयार कर दिया। तो फ्रेंड्स सीधे बनारस की गलियों में मिलने वाले इस चाट की रेसिपी को आप अपने घर पे बनाइए और मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आप एक बार अगर चाट की बना लिए आपने तो आप इसे दोबारा से ज़रूर बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे इस चाट की को खाने के बाद। तो कैसी लगी इस चाट की रेसिपी मुझे ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।